डिम्पल, मुझे जब इस बात का क्लू मिला था कि हमारे साथ खेले जा रहे गेम की ऑर्गेनाइज़र और मैनेजर आरुषि नहीं बल्कि आशीष है, तब मुझे लग रहा था कि हम दोनों के इस मैटर पर थोड़ी देर डिस्कस करने पर हमें इस गेम को समझने और इसे एंड करने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। पर अब इस मैटर के हर एंगल पर गौर करने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग इस मैटर पर महीनों बात करेंगे तो भी कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे विचार से इस मैटर पर आपस में डिस्कस करने में समय खर्च करने से बेहतर ये होगा कि मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश करूं जो आशीष की गेम के बारे में हमें कोई काम की बात बताकर इसे एंड करने में हमारी हेल्प कर सके। अब तुम बताओ कि तुम्हारा माइंड क्या कहता है। अंकुर ने एक साधारण दर्जे के होटल के कमरे में अपना डेरा जमाने के बाद डिम्पल को कॉल करके पहले अपनी बात उसके सामने रखी और फिर उसके सामने एक प्रश्न रख दिया। मेरा माइंड भी वही कह रहा है जो आपके मन को सही लग रहा है, इसलिए आप अपने मन की बात को फाइनलाइज करके वो सुनिए जो आपके जीवन संगनी का दिल कह रहा है। लीजिए मैडम, अपने जीवन साथी से अपने दिल की बातें कह दीजिए, कहकर डिम्पल ने अपनी बात पर पूर्ण विराम लगा दिया। आप ठीक है ना? डिम्पल की बात पूरी होने के बाद अंकुर के कानों में स्वाति का धीमे स्वर में पूछा गया यह सवाल पड़ा तो उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान उभर आई। हाँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आपका दिल? उसका हाल तो आप ना पूछिए तो बेहतर ही होगा। यार प्लीज़ ऐसा मत कहो, अदरवाइज मुझे वो काम अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ेगा जो करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके वापस आने तक अपना और अपने दिल का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। बाय द वे, आप वापस कब आएंगे? वापस आने के बारे में मैं अभी कन्फर्मली कुछ भी कह पाने की कंडीशन नहीं हूँ, पर मैं 3-4 दिनों के अंदर वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ठीक है, बट प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। जी मैडम, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और मेरी प्यारी बहना का भी। जी सर जी, बाय। अपनों से बाय नहीं, एक शॉर्ट ब्रेक के मिलने की बात कहते हैं सर जी। सॉरी मैडम जी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब ठीक है मैडम जी? जी सर जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके मैडम जी, कहकर अंकुर ने कॉल डिसकनेक्ट कर दी, जिसके कुछ पलों के बाद उसके चेहरे पर नज़र आ रही मुस्कुराहट दिमाग में उठने वाले विचारों के कोहरे में कहीं गुम हो गई। लता की बढ़ाई कुर्सी पर बैठने के बाद अंकुर ने सरसरी तौर पर घर का मुआयना करते हुए कहा, लता तुम्हें कोई काम हो तो पहले उसे निपटा लो, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे फ्री होने का इंतज़ार कर सकता हूँ। अरे भैया, किसी ज़रूरी काम से मुझसे मिलने इतनी दूर चलकर आए हैं तो क्या मैं आपकी बात सुनने के लिए 5-10 मिनट भी अपना काम नहीं रोक सकती? आप मेरे काम की चिंता छोड़िए और ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अंकुर की बात का जवाब देकर लता उसके सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। मुझे तुम्हारे मामा जी के घर का काम छोड़ने के बाद जो रेशमा नाम की नई नौकरानी उनके घर काम करने आई है उसके घर का एड्रेस चाहिए। वो मेरे आपके मामा जी के घर में काम छोड़ने के बाद उस घर में काम पर नहीं लगी, बल्कि जब मैं वहाँ काम करती थी तभी आ गई थी और मुझे वहाँ से काम भी उसकी वजह से छोड़ना पड़ा। खैर ये बात छोड़िए और उसके घर का एड्रेस लिखिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद रह जाएगा, कहकर अंकुर ने लता से रेशमा के घर का एड्रेस लिया और उसके साथ थोड़ी औपचारिक बातचीत करने के बाद उसके घर से बाहर निकल गया। बेटा, रमेश का घर यही है? गंदी बस्ती में मौजूद एक कच्चे मकान के सामने अपनी गाड़ी रोककर बगल से गुजर रहे 12-13 साल के एक बच्चे से अंकुर ने यह सवाल किया तो उस बच्चे ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाकर जवाब देने के साथ ही बिना कहे ही उस मकान की ओर देखकर आवाज़ दे दी, रमेश अंकल कोई आपसे मिलने आए हैं। किसको अपुन की ज़रूरत पड़ गई जो सुबह सुबह अपुन की नींद ख़राब करने के वास्ते आ गया? कुछ देर बाद अस्त व्यस्त दाढ़ी, बड़े बड़े बिखरे बाल और मैले कुचेले कपड़े पहने एक आदमी बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए सामने वाले कच्चे मकान से निकला, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अंकुर पर पड़ी उसकी सारी नाराज़गी पल भर में गायब हो गई। नमस्ते साहब, उसने पहले एक हाथ दाढ़ी से टिकाकर अंकुर का अभिवादन किया और फिर बड़े अदब से उससे पूछा, कहिए क्या काम है आपको अपुन से? बेटा ये पैसे लो और जिस काम के लिए तुम जा रहे थे जाकर वो करो, अंकुर ने पहले 10 का नोट देकर
उसे उसके काम के आदमी से मिलवाने में उसकी मदद करने वाले बच्चे को खिसकाया और फिर बड़े बाल वाले शख्स से बोला, रमेश कसाई तुम्हारा ही नाम है? जी साहब। पर अपुन ने जब से रेशमा नाम की कसाईन से शादी की है तब से अपुन कसाई से बकरा बन गया है। वो जब खाली पीली होती है अपुन को हलाल करने के वास्ते घर आ जाती है, और जब कोई दूसरा मालदार बकरा मिल जाता है तो वो उसके साथ उड़नछू हो जाती है। अपुन उससे कुछ कहने जाता है तो वो अपुन को हवालात की हवा खिला देती है। अपन इसमें भी गलती अपुन कींच है। अपुन उसके हुस्न के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी उसके नाम नहीं करता तो रोज़ रोज़ हवालात पहुँचा देने की उसकी धमकी नहीं सुननी पड़ती थी। कोई अपुन को 10,000 रुपया दे दे तो अपुन अपना ये गिरवी मकान छुड़ा कर अपनी नई सेटिंग के साथ उस कसाईन की पहुंच से इतनी दूर निकल जाता कि वो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक अपुन तक नहीं पहुंच पाती। पन क्या करे, किस्मत भी अपुन का साथ नहीं देती। अंकुर के सवाल के जवाब में बड़े बाल वाले शख्स ने उसे अपनी पूरी व्यथा सुना दी। चिंता मत करो भाई, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी की दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। उसका साथ पाने के लिए बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। यदि तुम वो काम करने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसके बदले उस रेशमा नाम की कसाईन और उसकी रोज़ रोज़ की हवालात भेजने की धमकी से छुटकारा पाने के लिए 10,000 रुपये दे सकता हूँ। सच्ची साहब? हाँ। अब तुम ये बात ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें रेशमा को सिर्फ 1 घंटे के लिए उस घर से दूर ले जाना है जहाँ वो अभी काम करती है। कर पाओगे ये काम? अपुन ये काम तो चुटकी बजाते बजाते कर देगा साहब। पन अपुन को ये इच नहीं पता कि वो ताड़का काम किधर करती है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो रहने दीजिए साहब। अभी अभी अपुन के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जिससे वो जिस भी बिल में रह रही होगी उनमें से निकाल कर वो सिर के बल दौड़ती हुई यहाँ आ जाएगी। असल में वो अपुन की नई सेटिंग से बहुत ज़्यादा जलती है, इसलिए उसने आजू बाजू वाले को बोल रखा है कि अपुन की नई सेटिंग जब भी इधर अपुन से मिलने आएगी तो वह उस ताड़का को जल्दी से जल्दी खबर दे दे, ताकि वो ताड़का जल्दी से इधर आकर अपुन और अपुन की सेटिंग को हलाल कर सके। इसलिए अपुन जब भी अपुन की सेटिंग को इधर बुलाएगा वो ताड़का आधे घंटे के अंदर इधर आ जाएगी और आधा घंटा उसको वापस जाने को लगेगा। अब आप बताइए कि उस ताड़का को इधर बुलाने का प्रोग्राम कब स्टार्ट करना है? अब से ठीक 1 घंटे बाद। 2 घंटे बाद करें तो नहीं चलेगा क्या साहब? वो क्या है ना कि इस प्रोग्राम से पहले अपुन को अपुन की सेटिंग के साथ यहाँ से निकलने की भी सेटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, नहीं तो अपुन इस प्रोग्राम के चक्कर में उस ताड़का के हत्थे चढ़ गया तो वो अपुन का कचूमर निकाल देगी। ठीक है, 2 घंटे बाद उसे यहाँ बुलवाने का प्रोग्राम फिक्स कर लो। ये 5,000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ और बाकी के काम होने के बाद तुम जहाँ लेना चाहोगे वहाँ आकर दे दूँगा। बाकी के पैसे आप काम होने के 1 घंटे बाद अपुन को बस स्टैंड पर आकर दे देना। अपुन अभी यह मकान छुड़ाने और इसको बेचते तक इसी शहर में रहेगा। बस स्टैंड पर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? इसकी टेंशन आप मत लो साहब, आप सिर्फ बस स्टैंड पहुँच जाना, अपुन आपकी गाड़ी देख कर आपके पास आ जाएगा। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जो भी सेटिंग करना है 2 घंटे में कर लो। आप बेफिक्र रहिए साहब, आपका काम हो जाएगा। अपुन बात का एकदम पक्का आदमी है। रमेश की बात पूरी होने से पहले ही अंकुर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी के बैक मिरर से पीछे कुछ दूरी पर खड़े बाइक सवार का मुआयना करके गाड़ी टर्न करने में व्यस्त हो गया। यार, जब मैंने कल तुमसे कह दिया था कि मैं तब तक तुमसे कोई बात नहीं करूंगी जब तक तुम स्वाति से डिवोर्स लेकर मुझे दुनिया के सामने अपना नहीं बनाओगे, तो फिर आज तुम क्यों बिना मेरी कंडीशंस फुलफिल किए मेरा टाइम वेस्ट करने चले आए? हाल में खड़े अंकुर के करीब आते हुए आरुषि ने काफ़ी तल्ख स्वर में नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन अंकुर पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा कंडीशंस फुलफिल किए बिना ही आ गया हूँ? इट मीन्स आज तुम मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल करने की तैयारी करके आए हो। हाँ, ये देखो, ये मेरी और स्वाति के डिवोर्स की पिटीशन है, इसे आज कोर्ट में पेश करना है। ये जैसे ही एक्सेप्ट होगी वैसे ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अपनी बात कहने के दौरान अंकुर ने अपने हाथ में पकड़े पेपर पर दूसरे हाथ की उंगली रखकर आरुषि का ध्यान उस जगह की ओर आकर्षित करा दिया जहाँ लिखा हुआ था, आरुषि, मैंने रेशमा को 1 घंटे के लिए इस घर
से दूर रहने का इंतज़ाम कर दिया है। इसलिए तुम्हें मुझसे जो भी कहना है एक घंटे के घर से बाहर आकर कह सकती हो। अब तुम मुझे कोड वर्ड, वो जगह और समय बता दो जहाँ तुम मुझसे आकर मिल सकती हो। ठीक है, पर अब तुम मुझसे तभी मिलने आना जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब तुम जाओ, क्योंकि मुझे 10 मिनट में तैयार होकर अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने शंकर नगर जाना है। ओके, बाय। बाय। आरुषि से जवाब मिलते ही अंकुर पलट कर घर से बाहर निकल गया। लगभग 10 मिनट से शंकर नगर की ओर जाने वाली रोड की एक सुनसान जगह मोड़ पर गाड़ी रोककर खड़े अंकुर के पास आकर वाइट कलर की कार रुकी तो उसके चेहरे पर नज़र आ रही इंतज़ार की थकान एकाएक रफू चक्कर हो गई। 10-15 मिनट के लिए मेरी गाड़ी में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें वे सारी बातें समझा सकूं जिसे समझाने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वाइट कलर की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी आरुषि ने गाड़ी को विंडो खोलकर अंकुर से ये बात कही तो वे बिना कुछ कहे दूसरी तरफ का गेट खींचकर कार में बैठ गया। हम लोग जा कहाँ रहे? आरुषि ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो अंकुर ने अपनी चुप्पी तोड़कर उससे सवाल किया। राइट साइड में जो ओपन पार्क है वहाँ पर ले रही हूँ। वहाँ इस तरह की ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है इसलिए वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आरुषि ने गाड़ी 100-150 मीटर आगे बढ़ाकर दाहिनी ओर घुमाई और लगभग इतनी ही दूर कच्ची सड़क पर आगे बढ़ाने के बाद साइड में लगा दी। कैसे हो? गाड़ी बंद करके आरुषि ने अंकुर की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अंकुर के सवाल के जवाब में कुछ कहने के बजाय आरुषि अपने नम हो चुकी आंखें साफ करने में व्यस्त हो गई और थोड़ी देर में खुद को नियंत्रित कर लेने पर वो अंकुर के सवाल का जवाब ना देकर जो बात कहने के लिए वो अंकुर को अपने साथ लेकर आई थी सीधे उस विषय पर आ गई। अंकुर, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जिस टाइप के अमीर और अय्याश लड़कों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ उनमें से कोई मेरे ऐसो आराम के हथियारों का अपना हथियार बनाकर उसकी मदद से मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हो चुका है और पता नहीं कि ये आगे कब तक होता रहेगा। यार, तुम पहलियों की लैंग्वेज में बात ना करके मुझे सब कुछ साफ साफ बता दोगी तो जल्दी से तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी और मुझे टाइमली सब कुछ आसानी से समझ में आ भी जाएगा। सॉरी, मेरी ज़िंदगी एक अबूझ पहेली बन चुकी है इसलिए मुझे पहेलियों की भाषा में बात करने की आदत पड़ गई है, पर अब ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने अपने कुछ रातों के अमीर पार्टनर से पैसे ऐंठते रहने के लिए उनकी और मेरी अय्याशियों की हिडन कैमरों से जो वीडियो क्लिप्स तैयार करके अपने पास रखी थी वो एक दिन आशीष के हाथ लग गई और उसने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी देकर मुझे अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। वो मुझे अपनी इस धमकी के दम पर अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर भी कर रहा है और अपने घर में सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्ड्स लगाकर और रेशमा नाम की एक साथी पहरेदार बिठाकर उसके मकर जाल से निकलने के लिए हाथ पैर चलाने का मौका भी नहीं दे रहा है। मैं तो ये उम्मीद ही खो बैठी थी कि मैं कभी उसके इस मकर जाल से बाहर निकल पाऊँगी, पर जब उस कमीने ने मुझे अपनी इसी धमकी से डराकर तुम्हारे और स्वाति के बीच दरार पैदा करने के अपने डर्टी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया और तुमने बड़ी सूझबूझ से इस प्लान को बेअसर कर दिया तो मन में ये उम्मीद पैदा हो गई कि किसी तरह से मैं तुम्हारी हेल्प लेने में कामयाब हो गई तो मुझे उस कमीने की ब्लैकमेलिंग और उसकी कैद से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मेरे लिए तुमसे कॉन्टैक्ट करना आसान नहीं था क्योंकि मुझे घर में सीसीटीवी कैमरों और वॉइस रिकॉर्ड्स के साए में रहना पड़ रहा है और बाहर रेशमा की निगरानी में मेरा मोबाइल भी रेशमा के पास ही रहता है जिसे मैं सिर्फ उसके सामने यूज़ कर सकती हूँ। पर उस कमीने की एक गलती ने मुझे तुम्हें इस बात का एक क्लू देने का मौका दे दिया कि उस कमीने को मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उसके घर से नहीं निकाला बल्कि वो किसी साजिश के तहत इस बात की अफवाह फैलाकर घर से निकला है और अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है। एक्चुअली उसने कल मुझसे स्वाति को उसके तुम्हारे साथ न छोड़ने पर तुम्हें जेल भिजवा देने की धमकी रिपीट करने के लिए कहा था लेकिन मैंने उसे उस समय घर से बाहर होने का फ़ायदा उठाकर रेशमा की नज़रों से बचाकर शब्दों की हेरा फेरी कर दी और स्वाति के थ्रू तुम्हें ये सीक्रेट मैसेज दे दिया और उसे जो कुछ पता होता है वो मुझे तुरंत पता चल जाता है यानी वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। वैसे मुझे इस बात की उम्मीद कम ही थी कि तुम उस मैसेज को डिकोड करके मेरे पास असलियत जानने आ जाओगे और ऊपर से ये भी डर था कि
यदि तुम उस मैसेज को डिकोड करके मुझसे मिलने आने के बाद कहीं रेशमा के सामने इस बारे में कुछ कह दोगे तो मेरी और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, पर तुम्हारी समझदारी की वजह से मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल गया और मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सारी असलियत बताने की स्थिति में आ गई। बस यही मैं तुमसे कहना चाहती थी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सिर्फ अपनी स्वाति को उस कमीने की गंदी निगाहों से बचाने के लिए कुछ करना है या अपनी स्वाति को उस कमीने की गंदी निगाहों से बचाने के मुझ पर तरस खाकर मुझे भी उस कमीने की ब्लैकमेलिंग और कैद से आज़ाद कराना है। तो क्या उस कमीने ने इन सब गंदी चालों का मकसद स्वाति को मुझसे अलग करके अपने जाल में फंसाना है? हाँ, पर उसका ये इकलौता नहीं बल्कि उसके दो बड़े मकसदों में एक है और वो इनमें से अपना एक मकसद ऑलरेडी पूरा कर चुका है। मैं उसका एक मकसद तो पहले ही जान गया था, पर इस दूसरे मकसद के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे तो ये लग रहा था कि तुम मुझे पाने के लिए स्वाति को मुझसे अलग करना चाहती हो। मैं पागल हूँ क्या जो अपनी सारी असलियत बताने के बाद भी तुम्हें पाने का ख्वाहिश अपने दिल में रखूँगी? यानी तुम सिर्फ आशीष के कहने पर मेरे और स्वाति के बीच दरार डाल रही थी? हाँ, और वो भी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कि मेरी कोशिश नाकामयाब हो जाए। थैंक्स। अब तुम थोड़ी देर साइलेंट बैठो ताकि मैं तुम्हें कोई ऐसा प्लान बनाकर उसके बारे में बता सकूं जिससे तुम्हें भी आशीष नाम की बला से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए और मुझे और स्वाति को भी। तुमसे बात करने के लिए अनुकूल माहौल बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मुझे इसी समय इस टाइप का कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ यार, अब दोबारा इतना गोल्ड चांस मिलना मुश्किल है, इसलिए जो भी प्लान बनाना है आज ही बना डालो और मुझे जो भी करना है उसके बारे में आज ही मुझे बता दो। वैसे मेरी भी दिमाग में एक सिंपल सा आइडिया आ रहा है, पर तुम्हें लग रहा होगा कि इसे सुनकर तुम्हारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, तो मैं इसे सुनाने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। बता दो, हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में आया ये सिंपल सा आइडिया ही काम का साबित हो जाए और मुझे अपने दिमाग को तकलीफ ना देनी पड़े। वैसे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने दिमाग के कल पुर्जे हिलाऊंगा तो कोई फुल गारंटेड प्लान बन ही जाएगा, इसलिए तुम्हें एक मौका देना किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा। बताओ तुम्हारे दिमाग में कौन सा आइडिया आ रहा है? यदि आशीष को तुम यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि मैंने उसकी ब्लैकमेलिंग और बंदिशों से तंग आकर आत्महत्या कर ली है और पुलिस मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार करना चाहती है, तो वो घबराकर अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए मेरे मोबाइल से चुराई हुई वीडियो क्लिप्स जिनके दम पर वो मुझे नचा रहा है उन्हें डिलीट कर देगा, जिसके बाद मैं उसकी अकल ठिकाने लगाने में खुलकर तुम्हारा साथ देने की स्थिति में आ जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर आसानी से उससे निपट लेंगे। कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अच्छा है, मगर आशीष को हम कैसे यकीन दिलाएंगे कि तुम सुसाइड कर चुकी हो और तुम्हें सुसाइड करने के आरोप में पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए खोज रही है? इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें उससे मिलकर ये कहना है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे तो घर पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस के हाथ मेरा कोई सुसाइड लेटर लग गया है जिसके आधार पर इस नतीजे पर पहुँच गई है कि मेरी आत्महत्या की एकमात्र वजह उसका मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर करना है। बाकी का मामला मैं संभाल लूँगी। मैं यहाँ ऐसा नाटक करूँगी जिससे उसकी इन्फॉर्मर रेशमा को लगे कि मैं आत्महत्या कर चुकी हूँ और पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में मेरी आत्महत्या में आशीष का मेन रोल होने की बात सामने आई है, ताकि तुम्हारे ये बात बताने के बाद आशीष उसे कॉल करके पूछे तो वो भी वही बात उसे बताए जो तुम उसे बताओगे। अब बताओ कि मेरा पूरा प्लान कैसा लगा? बहुत बढ़िया, पर तुम नकली पुलिस का इंतजाम कैसे करोगी? तुम पर तो आशीष की इन्फॉर्मर नज़र रख रही है ना? हाँ, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है और मैं घर के ऑडियो रिकॉर्डर में ये रिकॉर्ड कराकर निकली हुई कि मैं मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए अभी मेरे पास रेशमा की नज़रों से बचकर अपनी आत्महत्या के नाटक और नकली पुलिस का इंतजाम करने की तैयारी के लिए काफ़ी समय है। अब तुम ऐसा करो, जहाँ ठहरे हो वहाँ वापस जाओ और रात भर यहाँ रुककर कल वापस चले आओ। इसके बाद कल शाम के 4 बजे के आसपास आशीष से मिलकर उसे मेरी सुसाइड कर लेने और इस केस में पुलिस के उस तलाश करने की कहानी सुना देना, क्योंकि कल शाम के 4 बजे तक मैं ये दोनों नाटक कंप्लीट करके रेशमा को यकीन दिला दूंगी कि ये दोनों चीज़ें सच में हुई है। ठीक है? ठीक है। अंकुर का जवाब सुनते ही आरुषि ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अंकुर को उसकी कार के पास छोड़कर आगे बढ़ गई। अंकुर,
मुझे लगता है कि आरुषि आपके साथ कोई गहरी चाल चल रही है, क्योंकि आशीष की बुरी नज़र मुझ पर होती तो उस पीरियड में मुझे पाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता। जब आप उसके डैड की कंपनी छोड़ चुके थे और मैं उसकी कंपनी के ऑफिस में काम करती थी, अंकुर की पूरी बात ख़त्म होने के बाद उसकी बात सुनने वाले तीन लोगों में से सबसे पहले स्वाति ने प्रतिक्रिया दी। मुझे भी स्वाति की गेसिंग करेक्ट लग रही है। डिंपल ने भी अंकुर की बात पर प्रतिक्रिया देने में ज़्यादा देर नहीं की। और आपको क्या लग रहा है, कुछ पलों के इंतज़ार के बाद भी अमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो अंकुर को उसकी राय जानने के लिए उससे ये सवाल करना पड़ गया। मुझे भी यही लग रहा है जो इन दोनों देवियों को लग रहा है, पर मेरे विचार से आपको आरुषि के प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने पर ही हम असलियत की तह तक पहुँच सकते हैं। अमन ने अंकुर के सवाल का जवाब देने के साथ साथ उसे एक सलाह भी दे दी। भाई, अमन की एडवाइस गौर करने लायक है, पर मुझे लगता है आपको इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने पहले इस बात पर अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए कि आरुषि के इस प्लान के थ्रू अपना कौन सा सीक्रेट गोल अचीव करना चाहती है। अंकुर के कुछ कहने से पहले डिंपल ने अमन की बात पर प्रतिक्रिया दे दी। उसका एकमात्र मकसद कैसे भी करके दौलत हासिल करना लग रहा है, और वो आशीष की डैड की दौलत ऑलरेडी हासिल कर चुकी है, इसलिए यकीनन उसके इस प्लान का गोल आप लोगों के नाना जी की दौलत अपनी मुट्ठी में करना होगा। और नाना जी की दौलत को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेने का रास्ता तभी खुलेगा जब नाना जी इस दुनिया को अलविदा कह दें, राइट? अंकुर ने अमन की बात को आगे बढ़ाकर उसकी राय की अपेक्षा लिए उसकी ओर से देखने लगा। राइट, तो क्या आरुषि का सीक्रेट गोल नाना जी का मर्डर करवाना है? अमन के अंकुर की बात से सहमत जताते ही डिंपल ने नया सवाल उन दोनों के सामने रख दिया। उसके एक अजीब सा काम बताकर भाई साहब को आशीष से मिलने भिजवाने से तो यही लगता है कि वो आशीष के थ्रू आप लोगों के नाना जी का मर्डर कराकर उसका इल्ज़ाम भाई साहब के सिर पर मढ़वाना चाहती है, ताकि नाना जी की दौलत आशीष के नाम हो जाए और फिर वो आशीष पर अपना मुट्ठी का दबाव बढ़ाकर या उसे भी रास्ते से हटाकर नाना जी की दौलत डकार जाए। यानी तुम्हें लगता है कि आशीष की मुट्ठी में आरुषि नहीं, बल्कि आशीष आरुषि की मुट्ठी में है? हाँ, क्योंकि आरुषि ने भाई साहब को उसके आशीष की मुट्ठी में होने की जो वजह है और उस पर निगरानी रखने की जो ट्रिक बताई है वह काफ़ी स्ट्रेंज है, और आशीष के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड से भी नहीं लगता है कि वो इतना शातिर है कि आरुषि जैसी लड़की को उंगली पर नचा सकता है। अमन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ डिंपल के सवाल का जवाब दिया। गेसिंग बिल्कुल करेक्ट है। मुझे भी मामा जी के घर की पुरानी नौकरानी और नौकरानी के घर जाते समय एक बाइक सवार को अपना पीछा करते देखकर यही लगा था कि आरुषि के आशीष की कैद में होने की बात पूरी तरह से फेक है, क्योंकि वो बाइक सवार आरुषि का दोस्त था और उसका मेरा पीछा करने का मतलब ये है कि आरुषि कुछ भी करने या करवाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। इसके अलावा जो आसान तरीका बताकर रेशमा का पति मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हुआ, और जितनी आसानी से रेशमा ने आरुषि को मुझसे मुलाकात करने का चांस दिया, उससे भी मुझे डाउट हो गया था कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो आरुषि की मर्जी से हो रहा है। पर मैंने इस वजह से आरुषि की पूरी बात सुनी और उसका प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उस समय मुझे भी लग रहा था कि आरुषि की असलियत जानने और उससे छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है, उसके मकर जाल में घुसकर उसे ही फंसा दिया जाए। अमन की बात पूरी होने के बाद अंकुर ने कुछ और तथ्य सामने रख दिए। चलो, ये तो कन्फर्म हो गया कि आरुषि और आशीष नाम की मुसीबतों से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है कि भाई साहब आरुषि के प्लान को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि आरुषि का प्लान अनसक्सेस भी हो जाए और उन आरुषि और उसके पार्टनर आशीष के नाजायज़ कामों का कोई सबूत हमारे साथ लग जाए। अमन ने चर्चा को निर्णायक मोड़ की ओर ले जाने का प्रयास किया। इसके लिए भाई को आरुषि से उसका प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए एक दिन का समय लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नाना जी से बात करके उन्हें आरुषि और उसके पार्टनर आशीष के गंदे मंसूबों के बारे में बताने और उन्हें हम लोगों को कॉपरेट करने के लिए एग्री करने में कम एक दिन का समय लगेगा। डिंपल ने चर्चा को नतीजे की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया। तुम्हारा ये मानना बिल्कुल सही है कि हमारे लिए अपना गोल अचीव करने के लिए नाना जी को हमारे साथ सहयोग के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, पर आरुषि ये कहकर मुझे एक दिन का समय नहीं देगी कि उसने आज के नाटक के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और वो इसे कल ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएगी।
भाई, वह यकीनन ऐसा ही कहेगी, पर आप उससे ये कहकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं कि आज स्वाति की तबीयत बहुत सीरियस है, इसलिए आप आज किसी भी कंडीशंस में उसके प्लान के अकॉर्डिंग आशीष से नहीं मिल पाएंगे। आप उससे ये बात कहेंगे तो उसे आपकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और उसे आज या कल कोई नाटक भी नहीं करना है। डिंपल की बात 100% सही है, उसे कोई नाटक ही नहीं करना है, तो उसे उसका आज का काम कल करने में, आपको कंसेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बातचीत बंद कीजिए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। आप आरुषि को आज का काम कल करने के लिए कंसेंट कीजिए और डिंपल, तुम नाना जी से मिलकर उन्हें सारी स्थिति समझाओ और कैसे भी करके सिर्फ एक दिन के लिए हम पर विश्वास करके हमारा सहयोग करने के लिए तैयार करें। अमन ने चर्चा को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाकर मीटिंग ख़त्म करा दी। आशीष ने पैनी निगाहों से घर का मुआयना किया और विजयकांत के कक्ष का गेट पुश करके दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने पहले कमरे का गेट बंद किया, फिर जेब से चाकू निकालकर खोला और दाहिने हाथ में मजबूती से थाम कर बेड पर लेटे विजयकांत के सीने पर पूरी ताकत से वार कर दिया। लेकिन उसके हाथ के चाकू की नोक विजयकांत के सीने तक पहुंचने से पहले ही अंकुर बेड के साइड से किसी अत्याधुनिक तकनीकी से बने रोबोट की उछलकर खड़ा हुआ और आशीष की चाकू वाली कलाई थामकर उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि चाकू भी आशीष के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसे अपने चाकू वाले हाथ को दर्द को सहन करने के लिए दूसरे हाथ से सहलाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। आस्तीन के सांप, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तू इस गंदे इरादे को अंजाम देने के लिए हमारे घर आया था। कहते हुए बेड से उठकर विजयकांत ने एक झन्नाटेदार तमाचा आशीष के मुंह पर मारा तो आशीष ने अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को सहलाना बंद करके उसे अपना बायां गाल सहलाने लग गया। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आरुषि के कहने पर करने आया था। कुछ पलों तक खामोशी से अपना गाल सहलाने के बाद आशीष विजयकांत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। उसकी मुट्ठी में तुम्हारी ऐसी कौन सी कमजोरी दबी हुई है जो तुम उसके कहने पर ये घटिया काम करने आए थे? अंकुर ने लोहा गरम देखकर तुरंत हथौड़ा मार दिया। उसने डैड का गला दबाकर उनकी जान लेते हुए मेरा वीडियो बना लिया था, उसी के दम पर वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। और तुमने मामा जी का गला दबाकर उनकी जान किस लिए ली थी? वह एक दिन मेरी और आरुषि की बातों से जान गए थे कि हम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता फेक है और ये जानने के बाद उन्होंने हम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने और सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम करने के लिए नई बिल बनवाने का फैसला कर लिया था। नालायक, तेरा बाप तुझे ज़िंदगी भर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहा और तूने इसकी एवज में उसे ही समय से पहले मौत के मुँह में पहुँचा दिया। अंकुर, इस कमीने को अभी के अभी हमारी नज़रों के सामने से हटाकर कानून के हवाले करो। विजयकांत की बात सुनकर अंकुर ने जी नाना जी कहकर आशीष का हाथ पकड़ा और गेट खोलकर उसे बाहर ले आया। स्वाति, तुम अंदर कबर्ड के ऊपर जो वीडियो कैमरा लगा हुआ है उसे निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग सेव करके बाहर लेकर आओ। और डिंपल, तुम अंदर जाकर नाना जी का ध्यान रखो। अंकुर ने कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े अमन, स्वाति और डिंपल में से दो लोगों को दो काम बताकर अमन की ओर देखा और उससे, आप पुलिस को कॉल करके उनके आने तक इसे संभालने में मेरी हेल्प कीजिए, कहकर आशीष को खींचता हुआ घर के गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद पुलिस टीम विजयकांत के घर पहुंची और आशीष को अंकुर व अमन की कस्टडी से अपनी कस्टडी में ले लिया। दो दिनों के अंदर पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आरुषि को भी आशीष के मर्डर अटेम्प्ट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और अंकुर का रिकॉर्ड किया गया आशीष का उसके पिता की हत्या के कबूलनामे की एक कॉपी संबंधित पुलिस स्टेशन में उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी। इस घटना से भावनात्मक रूप से काफ़ी आहत हो चुके विजयकांत की अपने जीवन के बचे हुए दिन अपनी बेटी के दोनों बच्चों के साथ गुजारने की इच्छा का सम्मान करते हुए डिंपल और अमन घटना के अगले दिन अपना सारा सामान लेकर विजयकांत के घर आ गए और डिंपल के आग्रह पर दो दिन बाद अंकुर भी स्वाति को लेकर उनके साथ रहने आ गए। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।